वेलकम बैक। बहुत सारे कपल्स ने लिखा है कि उन्हें अभी बेबी नहीं चाहिए और उन्होंने विदाउट प्रोटेक्शन अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाया और वो डिस्चार्ज भी नहीं हुए। डाउट में आकर उन्होंने 3 घंटे के अंदर अपने पार्टनर को अनवांटेड 72 टैबलेट दे दी। आपका क्वेश्चन वहां पर ये है कि क्या अब प्रेगनेंसी होगी या नहीं, तो ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी के तो चांसेस यहाँ पर नहीं है क्योंकि 3 घंटे के अंदर ही आपने टैबलेट दे दी है। यहाँ पर आपके सवाल का तो जवाब आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मिल गया, लेकिन इंपॉर्टेंट अब ये है कि कौन से दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में टैबलेट लेनी चाहिए, जहां पर इसकी जरूरत है, क्योंकि जिसको टैबलेट आप दे रहे हैं, जो आपका पार्टनर है, जो फीमेल इसको कंज्यूम कर रही है, अगर टैबलेट की वहां पर जरूरत थी ही नहीं तो फिर उस फीमेल का उसमें नुकसान है, उसको आगे चल के दिक्कतें होंगी और अगले जो 3 से 4 महीने के पीरियड है उसके डिस्टर्ब रहेंगे और कॉम्प्लिकेशंस भी रहेंगी। तो इसलिए आपके लिए जानना ये जरूरी है कि पूरे एक पीरियड साइकिल में कौन से ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में टैबलेट लेनी चाहिए और कौन से ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में प्रेगनेंसी होती ही नहीं है और कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी होती है, तो उन्हीं दिनों में सिर्फ टैबलेट को लिया जाता है, जिसे अनसेफ डे कहते हैं, यानी जिन्हें फर्टाइल फेज कहते हैं। तो इसकी जानकारी ऑलरेडी मैंने वीडियो में दे रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो कि ये है, और जिससे कि आप पूरी जानकारी ले लेंगे। बहुत सारे लोग बिना जाने इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सेफ डे में मिल रहा है यानी पीरियड के ठीक बाद मिल रहा है तब भी वो उस टैबलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पीरियड स्टार्ट होने से पहले के जो कुछ दिन होते हैं जो कि सेफ होते हैं उन दिनों में मिल रहे हैं तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और आगे चल के अगर इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे टैबलेट का इस्तेमाल हुआ तो पार्टनर को फर्टिलिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि एक परफेक्ट और बेटर डिसीजन आप अपने फ्यूचर में ले और किसी से कुछ पूछने की जरूरत भी आपको ना पड़े। तो यहाँ पर जो मैं 2 लिंक आपको वीडियो के दूंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी होती है, कौन से दिनों में मिलने से नहीं, यानी कौन से फर्टाइल डेज होते हैं। साथ ही साथ आईपीएल का भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कब हमें कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सेफ रहे और किसी तरीके की दिक्कत ना हो। वेल, इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगता है और वीडियो सही लगती है तो आप अपना फीडबैक लाइक बटन दबा के या सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रहा है। वेल, इसके अलावा अगर आप अपने डाउट्स को कॉल करके क्लियर करना चाहते हैं तो पेड कॉलिंग ऑप्शन के थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे आप डायरेक्ट कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए। मिलते हैं वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।